प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसमें वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, दो लिखेंगे बस। फर्स्ट लिखें, अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। नोट करिएगा, द टू रेल्स आर ज्वाइंट बाई फिश प्लेट्स। The two rails are joined by fish plates, full stop. If no gap is left between the rails, if no gap is left between the rails, comma, बेटा एक मिनट वेट करिए जरा। If no gap is left between the rails, comma, the rails may bend due to expansion in summer. May bend due to expansion in summer. And the train may get derailed. And the train may get derailed. जैसे ना क्या होता है कि उसको बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं ट्रेन को रेलगाड़ी। रेलगाड़ी इसलिए बोलते हैं कि वो रेल्स के ऊपर चलती है, ठीक है। जैसे रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ी को, रोड के ऊपर जो ट्रैफिक चलता है उसको हम बोल देते हैं रोड वे। ऐसे ही रेल के ऊपर चलने वाले ट्रैफिक को बोल देते हैं रेलवे, ठीक है। तो उसमें ना ये होता है कि अगर पटरियों के बीच में कभी चले हो आप, तो आपने देखा होगा कि एक पटरी इधर चलती है, एक रेल इधर और एक रेल इधर, पैरेलल होती है, ठीक है। अच्छा, अगर उनको ऊपर से देखा जाए तो वो ऐसी दिखती है,
ऐसे और ऐसे। और इनके बीच में ना ऐसे कई कई जगह तो वैसे पहले तो वुड के लगते थे ये, पहले मतलब जो गैप है वो वुड का लगता था, पर टू कंजर्व द फॉरेस्ट अब वुड का नहीं लगता, अब कंक्रीट का लगता है वो, जो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो ये वाली चीज तो अलग है, इसमें तो कंफ्यूज मत होना। ये वाली चीज किस लिए, ये जब ट्रेन का प्रेशर पड़ता है जमीन पर तो उसका, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और ये जो फोर्स है ये फोर्स बेसिकली वेट ही होता है, वेट और फोर्स एक ही बात है। अगर वर्टिकली कोई फोर्स लग रही है तो उसको हम वेट बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रेन का वेट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि अगर हम सिर्फ पटरियों के ऊपर ट्रेन को चलाने लगेंगे ना, तो पटरियां जो हैं दे विल गेट डिप्रेस्ड, यानी कि वो धंस जाएंगी जमीन में, क्योंकि इतना ज्यादा वजन होता है ट्रेन का, ठीक है। तो उसके वजन का इफेक्ट जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, उसके वजन का इफेक्ट जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, वो प्रेशर जो है वो प्रेशर हम अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना होकर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। जैसे मान लो हमारा थंब है और हम अपने थंब से किसी चौड़ी चीज को दबा रहे हैं तो हमको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमसे ये कहने लगे कि एक पिन है आप इस थंब से उस पिन को दबाओगे तो आप कहोगे तो पागल है क्या, या तो पिन घुस जाएगी अंगूठे के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पिन का और थंब का जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कम है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होने की वजह से अगर आप सेम फोर्स भी लगाओगे उतने में भी वो अंगूठे के अंदर घुस जाएगी, पियर्स कर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये वाला जो फंडा है कि ये जो बीच में जो लकड़ी लगाई जाती है या कंक्रीट की स्लैब्स लगाई जाती हैं, वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेन में और जमीन का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ सके। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो वो जमीन में धंसेगी नहीं। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, वो ये होता है कि जैसे ये हो गया वन सेट ऑफ रेल्स, फिर दूसरी सेट ऑफ रेल्स जो है वो इस तरह से होती हैं। तो इन दोनों के बीच में ना ये बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि रेल पूरी की पूरी सीधी की सीधी हो, जिनमें गैप होता है। और जो इनको ज्वाइन करा जाता है इनके नीचे ना एक फिश प्लेट लगा दी जाती है। फिश प्लेट क्या होती है, वो स्ट्रेचेबल प्लेट होती है, मतलब आप इसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटेगी नहीं, और अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है इसमें। तो क्या है कि गर्मियों में जब लगातार, एक तो टेम्परेचर बाहर का ज्यादा, और जब लगातार जब ट्रेन गुजरती रहती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से बार 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 फ्रिक्शन, जब वो उसके ऊपर से गुजरती रहेगी तो उसकी जो रेल है, रेल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये थोड़ी सी फैल जाती हैं। तो अगर इनके लिए हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे बीच में तो वो आराम से सीधी सीधी मतलब लॉन्गिट्यूडनली एक्सपेंड होंगी, और अगर गैप नहीं होगा तो उसको तो फैलना ही है, तो फिर ये भी फैलेगी और ये भी फैलेगी, मुड़ जाएंगी जो रेल्स है ना ये मुड़ जाएंगी, और जब ये मुड़ जाएंगी तो जो ट्रेन जा रही है ऊपर वो ट्रेन पटरियों से नीचे उतर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए गैप छोड़ा जाता है यहाँ पर। वही सेम चीज आप ये देखेंगे कि जब बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं तो फ्लाईओवर्स में भी क्या करा जाता है, स्लैब लगाई जाती है, ये एक स्लैब लगा दी बनाकर, फिर दूसरी स्लैब लगा दी, फिर तीसरी स्लैब लगा दी, और उनके बीच में छोटी सी एक जैसे नाली होती है वो छोड़ दी जाती है। जब कभी आप इधर जाते हैं या संजय नगर की तरफ जब जाते हैं तो जो फ्लाईओवर पड़ता है उस पर बाइक हो, गाड़ी हो, स्कूटर हो, आवाज आती है ठक 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 ठक, ऐसे झटका लगता है ना। वो झटका क्यों लगता है, क्योंकि तो बीच में उन्होंने वो गैप इसीलिए छोड़ रखा है कि उस फ्लाईओवर पर लोड इतना ज्यादा है तो गर्मियों में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो उस चीज को, जो टेम्परेचर बढ़ने से चीज एक्सपैंड होती है, तो अगर बीच में गैप नहीं होगा तो सड़क टूट जाएगी, क्योंकि तो वो तो एक्सपैंड होकर मानेगा, ठीक है, तो सड़क टूट जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है उसमें। ये सबको समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, यस सर, सभी को क्लियर है? यस अभिनव, सर, यस आर्यन, सर, अर्जुन, कनिष्क, यस सर, ठीक है। चलिए ये करने के बाद में देखिए एक एग्जांपल और देख लो। ये तो रेलवे ट्रैक्स वाला हो गया, सेकंड एग्जांपल नोट करेंगे।
पत्थर क्यों डाले होते हैं? वो पत्थर भी इसीलिए होते हैं, वो पत्थर भी इसीलिए होते हैं ताकि उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए। ये सर बीच बीच में जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, वो भी इसीलिए होते हैं कि उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाए, क्योंकि वो भी तो टच हो रखे होते हैं ना। तो जितना ज़्यादा आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस होता है। और वो उसका बहुत और भी अच्छा एग्जाम्पल 9th में भी करा होगा, बैग टांगते हैं हम अपने कंधों पर, तो बड़ा हैवी होता है बैग, हालांकि जो उसका स्ट्रैप होता है एक इधर आ जाता है एक इधर आ जाता है, जिसको स्टाइल में सिर्फ एक ही तरफ डाल दिया जाता है, ठीक है, दोनों तरफ डालते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते होंगे, ठीक है। और जब उसका जो स्ट्रैप है अगर वो पतला होता है, तो थोड़ी देर तक टांगने के बाद ना ऐसा हो जाता है कि यार हाथ बीच में ना हम अपने हाथ लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको चुभने लगता है। वो चुभता क्यों है? कि उसका जो वजन है, वजन की वजह से वो जो स्ट्रैप है वो डिप्रेस होने लगते हैं हमारी स्किन में, तो वो हमारी स्किन में ना गड़ने लगते हैं, तो इस वजह से जो उनके स्ट्रैप्स हैं उनके स्ट्रैप्स पर फोमिंग भी करी जाती है और उनके स्ट्रैप थोड़े चौड़े बनाए जाते हैं। जितने ज्यादा चौड़े स्ट्रैप होंगे उतना ही अच्छा होगा। बीच में एक बार ये भी फैशन आया था कि वो गोल सी एक रस्सी टाइप होती थी, तो वो ऐसे आ जाती थी ऐसे आ जाती थी, और उसको इधर से घुमाकर पेट पर ऐसे टाइट कर लेते थे, तो बड़ा फैशन चला था बीच में उसका भी। लेकिन वो धीरे धीरे जब बच्चों ने खरीदने शुरू करे वो बैग, तब उनको पता चला कि भाई ये थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, उसके बाद तो रस्सी गड़ने लगती है, तो वो फिर फ्लॉप हो गए कुल मिलाकर। तो आज भी आप देखेंगे तो जैसे आपका बैग है या ये बैग है, तो इनके स्ट्रैप्स चौड़े होते हैं। तो चौड़ा किसको करा जाता है, फैलाया किसको जाता है, जिसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रेशर जो है वो इसी वजह से कम हो जाएगा। इसी वजह से सोचो इस साइकिल के टायर इतने पतले होते हैं, वो उन फैंसी साइकिलों की बात नहीं कर रहा जिनके इतने मोटे मोटे टायर चल रहे हैं आजकल, वो वाली साइकिल्स नहीं, नॉर्मल जो साइकिल होती है उनके पतले टायर होते हैं। और ट्रैक्टर का टायर इतना चौड़ा होता है, वो मतलब ट्रक से भी चौड़ा टायर होता है ट्रैक्टर का, क्यों भाई? मिट्टी जो खेतों की होती है मिट्टी, वो बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो अगर उस पर पतले टायर होंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, भाई टायर का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है जो टच होगा जमीन में, तो टायर तो अंदर धंस जाएगा ना, क्यों? क्योंकि एरिया अगर कम होगा, टायर ही तो टच हो रहा है, ट्रैक्टर का इंजन तो टच नहीं हो रहा ना जमीन से, तो टायर ही टच हो रहा है, तो जो टायर है वो टायर का एरिया जितना ज्यादा होगा जमीन पर उतना ही कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पता चला एक क्रेन बुलानी पड़ रही है ट्रैक्टर को निकालने के लिए, जी ट्रैक्टर धंस गया था, वो खुदाई करने आए थे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा, ठीक। डैम्स जो हैं, डैम्स को नीचे से वाइड बनाया जाता है और ऊपर से नैरो बनाया जाता है, उसका रीजन दूसरा है। उसका रीजन ये प्रेशर वाला नहीं है, उसका ये है कि जितना ज्यादा आप एरिया कवर कर लेंगे ना नीचे, उतना ज्यादा वो मजबूती से जमीन को पकड़े रहेगा। नहीं तो अगर जमीन ही, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्शन में आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, ये दीवार है आप देख रहे हैं, तो दीवार ये सिर्फ एक मिट्टी की दीवार, मतलब एक ईंट की दीवार है, ठीक। और अगर आप बेसमेंट में जाते चले जाएं तो आप धीरे 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 देखेंगे ये दीवार है, ये ज्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन इधर बाजू में देखें तो ये पिलर है, ये पिलर देख लो कितना चौड़ा है। तो ये जो पिलर है, ये पिलर सपोर्ट करता है पूरी की पूरी बिल्डिंग को। और जो डैम्स हैं, डैम्स में तो इतनी चौड़ी दीवार होती है, इतनी चौड़ी दीवार होती है, वो किस लिए होती है? क्योंकि भाई पानी का प्रेशर, वो भी नदी के पानी का प्रेशर झेलना कोई आसान काम तो है नहीं, तो वो भी बहुत अंदर तक, जमीन के अंदर तक उसको बहुत चौड़ा बनाया जाता है। वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो उसका रेसिस्टेंस बढ़ सके, रेसिस्टेंस मतलब किसी भी चीज को रोक पाने की कैपेसिटी बढ़ सके। तो पानी के प्रेशर को रोक पाने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको जितना ज्यादा मजबूत और जितना ज्यादा चौड़ा बनाया जाए उतना ही अच्छा, ठीक है। पतली दीवार से नहीं बनाया जाएगा, पतली दीवार से कई बार ना आंधी से भी गिर जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर एक ईंट की दीवार बनी हुई है, आंधी आई बड़ी तेज, कि यार यहाँ कोई पेड़ वेड़ तो है नहीं, गिरी कैसे? वो हवा से ही गिर गई, ठीक है। तो थोड़ा उसको अगर चौड़ा बनाया जाए तो अच्छा रहता है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल इसका नोट करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द गर्डर्स यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस। स्पेस इज यूज फॉर गर्डर्स यूज फॉर
ब्रिजेस, तो वहां पर भी स्पेस यूज करा जाता है, मतलब स्पेस बीच में छोड़ दिया जाता है ब्रिजेस में। ब्रिजेस का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था, तो इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, शायद समझ ही गए। ठीक है, कहो तो लिखवा देता हूँ दो लाइन, बस ये लिख दीजिए, दिस अलाउज देयर एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर विदाउट ब्रेकिंग द रूट्स। दिस अलाउज देयर एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर विदाउट ब्रेकिंग द रूट्स। मतलब रोड नहीं टूटती, रोड में क्रैक्स नहीं आते। ठीक है, तो हम किसी भी फ्लाईओवर पर जाते हैं, खासतौर पर सर्दियों में परेशान जरूर होते हैं कि बड़े झटके लग रहे हैं यहाँ पर, है ना, बार बार हर एक सेकंड के बाद में झटका लगता है, फिर एक सेकंड बाद फिर झटका लगता है, तो वो हम परेशान तो होते हैं, लेकिन वो जरूरी है, वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि वो भी पूरा सॉलिड से बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज को करा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब कभी हम ये कहते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज का टेम्परेचर, किसी भी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो प्रैक्टिकल लाइफ से उठाकर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज। हमने एक भगोने के अंदर दूध डाला और दूध को उबालना शुरू करा, या फिर हमने चाय बनानी शुरू करी, चाय को उबालना शुरू करा। वो तो चाय को उबालने का मतलब क्या है कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कंटेनर जो है उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जरा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो चाय निकल जाती, बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्यों? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये हमने क्या देखा था कि जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे 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 वो फूलने लगता है। उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ठीक, इसका उल्टा भी होना चाहिए। ये देखा था हमने शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में, यही हमने करा था कि जब हम टेम्परेचर घटाना 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 धीरे 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 कम करते चले जाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम भी होता है। वाटर जो है वो थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। और एक चीज और, जैसे डेंसिटी होती है तो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन हमने देखा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगी? कम। भाई वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी तो कम हो गई। ठीक है, अच्छा तो हम ये कहते हैं कि भाई ये चीज तो प्रैक्टिकली हमने देखी है, लेकिन एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर है, वाटर की एक अजीब प्रॉपर्टी है, और वाटर को जीवन रक्षक और जीवन बचाने वाला क्यों कहा जाता है वो अब समझाता हूँ। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है पानी की, कि पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर एनोमेलस एक्सपेंशन, एनोमेलस, एनोमेली क्या होती है? एनोमेली होती है गलतियां, एनोमेली का मतलब होती है कमियां, अनोमली, चलो जो भी है ना, मैं एनोमली बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं? अनोमली, अनोमली बोलो, अनो अनोमली, अनोमली। चलिए, तो अनोमली का मतलब होता है कमियां। तो वाटर का एक अनोमलस, अनोमलस बिहेवियर, अब तो ठीक बोल रहा हूँ मैं, अनोमलस बिहेवियर होता है। तो अनोमलस बिहेवियर उसका क्या होता है? वो ये है कि वो गलती करता है, और गलती करता है जितने भी खास तौर पर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो उसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, कि जब हम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है और हम उसका धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और डेंसिटी रिड्यूस होनी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दिमाग में बस ये याद रखना कि मैं चाय बना रहा हूँ तो कभी भी गलती नहीं होगी। चाय बनाते हैं तो चाय ऊपर को आती ही आती है, और जब चाय ऊपर को आती है मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना उसका, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। वाटर के केस में 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो फिर अपना काम करना शुरू करता है, फिर वो नॉर्मली बिहेव करता है। ठीक है, हम इसका असर एक्वेटिक एनिमल्स जो फिश हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, है ना, इन सबकी लाइफ पर क्या पड़ता है असर, वो नोट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। AMOMALOUS, anomalous expansion of water. दो साल पहले एक चीज और बताई थी तुमने मुझे, बताओ। नहीं ध्यान, नहीं उसने बताई थी मेरे को कि जो कटोरी होती है उसको मैं बाउल बोलता था, उसने बोलता था कि ये बोल होता है ना, तो मैं ध्यान रखा हुआ है तब से, मैं गलती नहीं करता दोबारा उसमें। तो बता दिया करो कोई चीज ऐसी हुआ करे तो। अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इसमें आप नोट करें, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स expand on heating expand on heating but water behaves in a peculiar manner. But water behaves in a peculiar manner. In a peculiar manner, second लिखेंगे, when water at 0 degree Celsius is heated, its volume decreases. When water at 0 degree Celsius is heated, its volume decreases and therefore its density increases. Until its temperature reaches 4 degree Celsius. Until its temperature reaches 4 degree Celsius. Full stop. Next point, above 4 degree Celsius, the volume increases. Above 4 degree Celsius, the volume increases and therefore the density decreases. The volume increases and therefore the density decreases. Density decreases. Thus, at 4 degree Celsius, water has maximum density. Water has maximum density. इसके बाद आप नोट करेंगे, फेवरेबल इफेक्ट हेडिंग है, फेवरेबल इफेक्ट of
एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑन एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ अब इसमें लिखेंगे तीन पॉइंट्स लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट है, सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट द बॉटम ऑफ अ लेक रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। Since the density of water is maximum at 4 degree Celsius, water at the bottom of the lake remains at 4 degree Celsius even if it freezes at the top surface. Even if it freezes at the top surface. At the top surface. This allows marine animals to remain alive Marine animals to remain alive and move freely near the bottom. दो पॉइंट्स ये हो गए। तीसरा लिखें, इफ वाटर डिड नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, इफ वाटर डिड नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी कॉमा लेक्स एंड पॉन्ड्स वुड फ्रीज फ्रॉम द बॉटम अप। Would freeze from the bottom up. Full stop. This would destroy the entire aquatic. This would destroy. The entire aquatic plant and animal life. प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ठीक है। देखिए कहाँ पर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बस इतना याद रखना, फिर सभी घरों में चाय जरूर बनती है, तो बस चाय का फंडा याद रखना कि जब हम चाय बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो चाय वो ऊपर आने लगती है, ठीक है, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है।
वाटर अजीब तरह से बिहेव करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर को हमने ले लिया, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ना तो वो आइस है और ना ही वो मतलब पूरी तरह से आइस भी नहीं है, पूरी तरह से वाटर भी नहीं है, मतलब वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वाटर के, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं कि उससे नीचे होना शुरू हुआ तो बर्फ जम जाएगी, उससे ऊपर होना शुरू हुआ तो पानी रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इंसान ही जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 50 55 खत्म उसके बाद, ठीक। तो इंसान ही नहीं बचेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आप ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, और वैसे भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, अगर हमने इसको बढ़ाया, बढ़ाकर कर दिया 1, बढ़ाकर कर दिया 2 3 और 4, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि रो, ये क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक डेंसिटी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, 4 डिग्री सेल्सियस पर फिर वाटर जो है नॉर्मली बिहेव करने लगता है बाकी सारे लिक्विड्स की तरह। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो मिनिमम है उसका, ठीक है, और डेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ किसी नदी की बात करता हूँ, मैं किसी भी लेक की, पॉन्ड की, समंदर की, किसी की भी बात करिए, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि चलिए ये नदी है, ये नीचे पानी बह रहा है इसके अंदर, और ये बॉटम है लेक का, बॉटम, ठीक बॉटम ऑफ द लेक। तो कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चेंज नहीं होगा ना, अगर हम सेम हाइट पर हैं, सेम लेवल पर हैं, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, ठीक है। हाँ जितना जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा प्रेशर पर फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब प्रेशर का लेना देना किससे है, हाइट से लेना देना है, ठीक है। तो प्रेशर का हमने एक फॉर्मूला भी देखा था लिक्विड्स के केस में, वैसे तो फोर्स अपॉन एरिया, लिक्विड्स के केस में क्या होता है, एच रो जी, ये जी तो पूरे अर्थ पर कांस्टेंट है, 9.8, ठीक है। डेंसिटी जो है वो वाटर की मैक्सिमम कहाँ होगी, वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइट, बिल्कुल, अब सुनिए आप, जैसे मैं एच की बात कर रहा हूँ तो एच क्या है यहाँ पर, अगर मैं समंदर के नीचे की बात करूंगा तो ये एच ही डेप्थ है, उसकी गहराई, तो उसको हम बोल देते हैं हाइट। तो यहां से लेकर यहां तक जितनी ज्यादा नीचे 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 हम जाते चले जाएंगे उतना ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी क्या हुई, बढ़ी भाई, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी, देखिए हाइट बढ़ी तो हाइट बढ़ने से क्या होगा, हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जैसे 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 मैं नीचे जाता हूँ, वैसे ही समझ लो आप, हम पानी के सरफेस पर हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ एटमोसफियर का प्रेशर लग रहा है, थोड़ा सा नीचे गए तो अब पानी भी हमको दबा रहा है थोड़ा और नीचे, एटमॉस्फेयर तो दबा ही रहा है ना, और पानी भी दबा रहा है, थोड़ा और नीचे गए तो पानी और दबा रहा है, थोड़ा और नीचे गए तो पानी और दबा रहा है, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो भैया डेंसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, डेंसिटी भी बढ़ रही है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके बाद फिर घटनी शुरू हो जाती है। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर है, और डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, जितना ज्यादा हम गहराई में जाएंगे, तो जितना ज्यादा ज्यादा आप गहराई में चलते जाओ आपको पानी की भी मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाएगी। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्वेटिक एनिमल्स कितना भी टेम्परेचर में चेंज आ जाए, बर्फ जम जाए बाहर, जैसे कि जो ये कश्मीर में कौन सी है वो डल, हाँ डल लेक जो है, तो वहां पर जो है बताते हैं कि इतना ज्यादा वो बर्फ जम जाता है कि लोग जीप वगैरह चलाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, वैसे तो वो लेक है लेकिन उसके ऊपर लोग जीप चलाते हैं, सर्दियों में इतनी बर्फ जम जाती है, तो वहां के तो जो मछलियां हैं, जो फ्रॉग्स हैं, जो टॉर्टोइस हैं, वो सब मर जाने चाहिए थे, सब जम जाते उसमें, ठीक, लेकिन वो जमते क्यों नहीं है,
क्यों? क्योंकि वो लाइफ को ढूंढते हुए, अपनी जान बचाने के लिए वो तैरते हुए नीचे 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 जाते हैं, और नीचे देखते हैं कि वहां तो पानी गर्म है, फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया। ठीक, तो क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे बिल्कुल अगर आप चले जाएं तो मैक्सिमम डेंसिटी आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर कंसेप्ट। मैक्सिमम डेंसिटी नीचे मिलेगी और मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है ना, इस टेम्परेचर को तलाश करते रहते हैं, वो तलाश करते रहते हैं इस टेम्परेचर को। तो कभी नीचे तैरेंगे, कभी ऊपर तैरेंगे, कभी बिल्कुल बॉटम में चले जाएंगे जब बहुत ज्यादा सर्दियां होंगी। और यही एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सर्दियों में अगर कभी आप हैंडपंप का पानी निकाल कर देखेंगे ना तो गर्म आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये सभी को फंडा क्लियर, सभी को क्लियर है? 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है इसकी डेंसिटी, उसके बाद डेंसिटी फिर रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और फिर डेंसिटी का रिड्यूस होना यानी कि वॉल्यूम का बढ़ना। ठीक है, चलिए अब जीरो डिग्री और 8 डिग्री पर बराबर नहीं कह सकते, पर हाँ 0 डिग्री पर वॉल्यूम इसकी बढ़ी हुई है ना, क्योंकि यहाँ तो डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम, 0 डिग्री पर बढ़ी हुई है। तो अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में ना फिर ये बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि वो कितना बराबर होगी, क्योंकि लीनियर फॉलो लीनियर बिहेवियर नहीं होता। जैसे हम ओम्स लॉ में देखते थे ना इलेक्ट्रिसिटी में, कि कम करा तो बिल्कुल लीनियरली कम हो गया, फिर बढ़ गया तो लीनियरली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए ये जो तुमने पूछा है, इसके लिए ही ना एक ग्राफ बना लेना और इस ग्राफ का रट्टा लगा लेना। इसको एज इट इज एक कर्व शेप का बनता है, पहले नीचे गिरेगा फिर ऊपर उठेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम आपका सब्जेक्टिव है, तो एक चीज का तो ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ ना, ये नोट्स अपने मिस मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम आने वाला होता है, और आप एग्जाम तो आपका खैर फरवरी एंड तक मैक्सिमम हो ही जाएगा, तो उसमें ना फिर नोट्स की ही तलाश मचती है। तो वो देखिएगा, दो अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे, एक ग्राफ ये, और सब्जेक्टिव पेपर में जितना ज्यादा हो सके ग्राफ अगर मैंने बनवाया है तो ग्राफ जरूर बनाकर आना पेपर में। ये हम बनाएंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम ले लीजिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉरी, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम के आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ×10^-3 मीटर क्यूब। मैं हर एक में 10^-3 मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर मैं 1 लिखूंगा तो आप समझ जाना 1×10^-3 है, अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2×10^-3। तो सबसे पहले 0 यहाँ लिखिएगा, 1.0, और यहाँ लिखना 1.0013। एक्स एक्सिस पर आप लेंगे 5, 10 और 100, यहाँ दिखा दीजिए 5, 10 और इधर आ जाओ 100। 1, 2, 3, 4, ये 4 जो है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम। तो वॉल्यूम पहले यहां पर था, 0 पर यहां पर था, फिर ये ऐसे घटा घटा 4 पर मिनिमम हो गया वॉल्यूम, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया। बस ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, बना देना। 4 डिग्री सेल्सियस है ना ये, 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम, उसके बाद ऐसे बढ़ गया। ठीक, अब अगर डेंसिटी का और टेम्परेचर का कर्व बनाऊंगा मैं, तो आप समझ जाएंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम, तो यानी कि वो ग्राफ पहले उठेगा फिर गिरेगा। ये क्या हुआ, पहले गिरा फिर उठा, वो इसका उल्टा बनेगा। देखिए इसमें
डेंसिटी लेंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इनटू एन की पावर 3 केजी एम की पावर माइनस 3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट। ठीक है, दोबारा बोलो। नहीं -3 नहीं, +3, -3 नहीं +3। क्यों +3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो -3 है तो ये +3 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कुछ इस तरह से लेना कि इधर टेम्परेचर मेंशन करना 5 और इधर टेम्परेचर मेंशन करना 10। 1, 2, 3, 4, 5, ये 0। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी की कुछ वैल्यूज हैं वो मैं लिख रहा हूँ, 0.99970, 0.99975, 0.99980, 0.99985, 0.99990। ये लास्ट में इधर 95 और ये 1, समझ गए? ठीक, ना पूरा लिखने की मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ गए होंगे। 0.99995 लिखेंगे और फिर लास्ट में 1.00000 हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब 0.99985 और 90 के बीच में से, यहां से एक्चुअल में जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो गई? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी। कम या ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी कहाँ? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.99985 से जरा सी ज्यादा होती है। यहाँ से ऐसे पहुंचा ये ग्राफ, ठीक है, लीनियर नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व्ड होगा, और फिर उसके बाद में ये गिरता है। ठीक ऐसे, ठीक है, तो डेंसिटी के और टेम्परेचर के बीच में अगर मैं रिलेशन देख रहा हूं तो ग्राफ पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, पहले उठा फिर गिरा, वॉल्यूम में पहले गिरा फिर उठा। देखिए, याद करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इधर तो मेरे को 5, 10 और 100 दिखाना है, इधर मेरे को सिर्फ 5 और 10 दिखाना है। 4 डिग्री सेल्सियस मेरे को दोनों में ध्यान रखना है, और यहाँ होगा 1 और 1.00013। यहाँ पर लेवल्स मुझे क्या लेना है? 0.99970, 0.99975, 0.99980, 0.99885। 85 से जरा सा ज्यादा वैल्यू लेकर और आप 1 तक उसको बढ़ाएंगे, है ना? और 1 वाली वैल्यू जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से मैच करनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसके डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को कि नहीं? ठीक है, चलिए जी। और इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, चाहे ये चैप्टर हो चाहे इससे पिछला चैप्टर हो, आप देखेंगे कि मैंने कोई नया अनोखा नहीं पूछा था, जो आपका टेस्ट भी लिया था, बर्नौली प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यही चीजें पूछी थी, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। टर्म टू में बस इतना ध्यान रखना कि नोट्स आपके प्रिपेयर्ड रहें, और छोटी से छोटी चीज भी जो है वो आप लर्न करके चलेंगे, कुछ भी उसमें छोड़ना मत। ठीक है, आधा सिलेबस है बस, और ये 1.5 महीना है आपके पास। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। बाकी परसों आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ दोबारा से कि सुबह 11 या 12 बजे मैं क्लास लूंगा। ठीक है, परसों स्कूल का तो ऑफिस है अभी, हाँ, तो सिर्फ परसों के लिए ये चेंज है, बाकी आपका शेड्यूल वही रहेगा। आप तीनों सेम स्कूल में? तीनों सेम स्कूल में? कौन से में? आप तो DDPS में, और आप दोनों इंग्राम में, तो आपका तो शायद ICSE चलता होगा, तो CBSE वाला ऑप्ट कर रखा है। अच्छा, चलिए ठीक है, ये मेरे लिए नया है, मुझे नहीं पता था, मैं तो सोचता था कि वहाँ ICSE। अच्छा, ठीक है, चलिए जी, ओके, बताओ, कहोगे तो ओके, कहोगे तो ऑनलाइन भी कर देंगे, ऑनलाइन कर दें।
अभी दे रहा हूँ मैं। टेस्ट जो है, अच्छा वो असल में इसका ना 12 तारीख को इसका भूमि का टेस्ट है और मैथ्स का ही है, तो उसने कुछ करा ही नहीं है, तो वो करवाना है मेरे को।